जो नए आर्मी चीफ है उन्होंने भारत को दो दो पैगाम जारी किया है और भारत के लिए दबंग ऐलान किया है। काबुल में जो पाकिस्तानी सफारतखाना पर हमला हुआ था उसके ऊपर पाकिस्तान का जो सफारतखाना उसके ऊपर स्टेटमेंट आई है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दिलचस्प मराहल में मैच दाखिल हो चुका है उसके ऊपर एक ऐसा रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो अभी तक दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये तीन आज जो हमारे सवालात है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नए आर्मी चीफ ने जो भारत के खिलाफ दो टोक ऐलान किया है। आज पाकिस्तान के जो नए आर्मी चीफ है उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के LOC का दौरा किया है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है और जो नौजवानों से मिले हैं। और आप लोगों को पता है जैसा कि भारत ने और भारत की फौज ने कश्मीर के हवाले से अपनी स्टेटमेंट जारी की है और कश्मीर के खिलाफ कुछ अल्फाज बोले हैं। तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है नए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जारी की है और फौजी नौजवानों से मिले हैं और उन्होंने उनको उनको बताया कि हम पाकिस्तान के हर और अजम है, पाकिस्तान के लिए हर दिन रात हम पाकिस्तान का दफा करने के लिए मौजूद है यहाँ पर। अगर भारत के नाकाम इरादे हैं उसको हम एक मिनट में चंद सेकंड में नकारा बनाने के लिए तैयार है। यह भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, हम किसी भी वक्त यहाँ पर के सोए हुए हैं, हम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं 24 घंटे, किसी भी टाइम वो आ सकते हैं। ये नए आर्मी चीफ का भारत और भारतीय फौज को ये पैगाम जारी किया है और LOC का उन्होंने दौरा किया। ये उनका पहला दौरा है जब से वो नए आर्मी चीफ बने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जो मसला कश्मीर है भारत जो जिस तरह से अमेरिका ने और कश्मीरियों की राय है उसके मुताबिक हल होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि जो मसला कश्मीर है इरादे से भागता है तो हम भारत के जो नाकाम इरादे हैं उसे नाकाम करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने फौजी जवानों को शाबाश दी, उनके हौसले बुलंद किए और फौजी जवानों ने उन्हें इस मौजूदा तौर पर जो सूरत हाल है उसके ऊपर आगाह किया। तो उन्होंने अगले मोर्चों का दौरा किया और अगले मोर्चों पर जाकर इस मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। तो इस तरह से नए आर्मी चीफ ने भारत को दो टोक ऐलान दिया और भारतीय फौज को चुकन्ना रहने के लिए भी तनकीद की और उन्हें बताया कि हम हर वक्त तैयार हैं। आप ये बात समझना कि हम सोए हुए हैं, हर वक्त हमारा हर फौजी जागता है और चौकीदारी पाकिस्तान की सरहदों की करता है। तो ये इस तरह से नए आर्मी चीफ ने भारत के लिए दो टोक पैगाम जारी किया है। तो इसके बाद जो अगला हमारे पास सवाल है वो ये है, जो काबुल में आप लोगों को पता है पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला हुआ था तो उसके ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और इसके ऊपर फौज है वो काफी ज्यादा मायूस आपको दिखाई दी। इसके बाद आज पाकिस्तान का जो सफारतखाना है उसके ऊपर स्टेटमेंट आया है और आपको मैं ये भी बताता चलूं, आप लोगों को पता जब से ये मसला आया था और पाकिस्तानी सफारतखाने पर काबुल में ये हमला हुआ था तो तब से पाकिस्तान और जो काबुल अफगानिस्तान का जो बाबी आजादी का दौर है वो काफी दिनों तक बंद रहा था। जैसा कि दोनों तरफ से जो लोग थे, जैसा कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अफगानिस्तान में, वो वहां पर फंस कर रह चुके थे और इधर के उधर उधर के इधर नहीं आ रहे थे, वो काफी दिनों तक बंद रहा। तो जिसके बाद आपस में दोनों का मुज़ाकरात हुए और जब से मुज़ाकरात हुए तब से ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू हो गए। तो काबुल से जो स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तानी हमला किया है, किसने कबूल किया है, तो ये इस्लामिक स्टेट खरासान ग्रुप मुलव्वस इसमें निकला है। ये पाकिस्तानी सफारतखाने में ने इसकी तस्दीक की है। ये इस्लामिक स्टेट खरासान है, ये है कौन, ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है। ये इस्लामिक स्टेट खरासान ये एक अफगानिस्तान का ग्रोह है जो कि लोगों के खिलाफ ये रुकसाता है और लोगों को इकट्ठा करता है और गलत कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आप सीधे सीधे ये एक ग्रोह कह सकते हैं जिस तरह से दहशत गर्दों का ग्रोह। आप लोगों को सीधे मैं बताता चलूँ, ऐसा कोई भी मुसलमान हो, इंसान हो, कोई भी ऐसा कोई हमला करता है जो करता है इस तरह का काम करता है जो वो सीधा बंदा और साफ नहीं है, जारी बात है वो गलत बंदा होगा, वो ठीक तो नहीं ना हो सकता। जो किसी के ऊपर हमला करता है, इतना बड़ा पाकिस्तान का सफारतखाना उसके ऊपर हमला करना और पाकिस्तान के जो सफारतखाना का गार्ड है वो जख्मी हो जाना, उसे 3 से 4 गोलियां लगी जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान सफारतखाना इस हमले से, इस मंसूबे से मुतासर हुआ और पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान काफी ज्यादा मायूस देखने को आपको मिला। इसके बाद अगला हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है पिंडी में जारी है वो दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुका है। इसके ऊपर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, मैं आप लोगों को एक अपडेट ये देता चलूं, ये ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो कि अभी तक टेस्ट हिस्ट्री में मौजूद नहीं है। अभी तक टेस्ट हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनी हैं वो 9 बनी हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनना जा रहा है
के वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब तक जो सेंचुरियां बन चुकी है वो 7 सेंचुरियां बन चुकी हैं अब तक। अगर आज के दिन जो लास्ट डे रह चुका है उस दिन 3 सेंचुरियां पाकिस्तान के जो बैट्समैन जड़ देते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में एक ऐसा, तो क्या पूरी दुनिया में ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है जो कि अभी तक दुनिया में मौजूद नहीं है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान में ये टेस्ट हिस्ट्री में, तो क्या पूरी दुनिया में 10 सेंचुरी अभी तक नहीं बनी, जो कि 10 सेंचुरी अगर इस टेस्ट में बन जाती है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में ये कायम हो जाएगा कि अभी तक 9 सेंचुरियां ही बन पाई है टेस्ट हिस्ट्री में, और इस टेस्ट मैच में अगर 10 सेंचुरी बनती है तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सवर किया जाएगा। इसके बाद हम मौजूदा जो मैच जारी है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। आप लोगों को पता है 4 सेंचुरियां तो इंग्लैंड के बैट्समैन मार चुके हैं, इसके अलावा 3 पाकिस्तानी मार चुके हैं, यानी कि 7 टोटल होगी। अगर 3 और सुबह लग जाती हैं, जड़ देते हैं पाकिस्तान बैट्समैन, तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जी अगले, जो मौजूदा तौर पर है पाकिस्तान ये मैच जीत कर किस तरह से एक वक्त मुकर्रर कर सकता है पाकिस्तान अवाम के लिए। जो हमारे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 8 विकेटों के ऊपर 263 रन के करीब अभी बकाया है, जो अब्दुल्ला शफीक 6 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, अमामुल हक अभी मौजूद है ग्रीस के ऊपर 43 रन बना, और अजहर अली जो जख्मी होने की वजह से वो पवेलियन लौट चुके हैं, वो दोबारा जरूर आएंगे, और बाबर आजम 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं, और साद शकील भी अभी 24 रन बनाकर ग्रीस पर मौजूद है, यानी कि उमामुल हक और साद शकील अभी तक ग्रीस पर मौजूद है। अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना है, कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाना है और पाकिस्तान को विनिंग मूवमेंट में लेकर जाना है तो ये मैच जीतना हर सूरत लाजमी है। पाकिस्तान के जो 8 जो पाकिस्तान की 8 विकेट अभी तक बाकी हैं, 8 विकेटों के अंदर पाकिस्तान 263 रन अभी बनाने बाकी हैं। अगर पाकिस्तान 263 रन बना लेता है तो पाकिस्तान आसानी इस मैच को विन कर जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक अपडेट देता चलूं, ये आप लोगों को देखने में आसानी लग रहा होगा लेकिन ये 5वां दिन है, पिच का जो बुरा हाल हो चुका है उसके ऊपर टिब्बे टोए पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो गेंद है जो बॉल है वो ज्यादा टर्निंग पॉइंट में जाएगी और मूव ज्यादा होगी, तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान के बैट्समैन उन्हें खेलने में काफी ज्यादा दुश्वारी पेश आएगी। तो इस तरह से पाकिस्तान जीतने में इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखनी चाहिए, 263 रन इतने थोड़े नहीं है। पाकिस्तान जो टीम है एक दिन में 250 से ज्यादा स्कोर नहीं बनाती, तो अगर पाकिस्तान की जो टीम है अगर ये 263 रन बना जाती है तो पाकिस्तान के लिए एक गुड लक दिन होगा और बहुत अच्छी एक पाकिस्तान टीम के लिए एफर्ट तसव्वुर की जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम ये इंशाल्लाह ताला 263 रन बनाकर ये मैच पाकिस्तान इमाम और पाकिस्तान हिस्से में डाले, तो हम आने वाले वक्त में सुबह देखेंगे कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीत पाती है कि नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अपने दोस्त और सलाम शानी को दीजिए, जल्द मैं फिर मिलूंगा, अल्लाह हाफिज़।